नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जिनसे नए भारत का निर्माण होने वाला है, पर यूपी के संत कबीर नगर में बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल यहां बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने के बजाय उनसे थालियां धुलवाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, स्कूल में बच्चों से करवाया जाता है काम, शिक्षा देने के बजाय साफ करवाए जा रहे झूठे बर्तन। जिम्मेदारों के सामने बच्चे करते हैं काम, सवाल पूछने पर विद्यालय प्रबंधन ने साधी चुप्पी। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये लाइन उन बच्चों के लिए है जिनके कंधों पर देश का भविष्य है, जिनके कंधे के सहारे आने वाला नया भारत और भी उभरने वाला है। उन्हीं के साथ शिक्षा विभाग के जिम्मेदार लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल संत कबीर नगर के मस्जिदिया प्राथमिक विद्यालय से चौंका देने वाला वाक्या सामने आया है, जहां के बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे झूठे बर्तन, थालियां धुलवाई जा रही हैं। अब इन बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कॉपी किताब और पेंसिल होता है, जिनके माता पिता बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजते हैं, उनसे ही स्कूल के गुरुजन थाली धुलवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे पहली बार थालियां धो रहे हैं, बल्कि इनसे हर रोज थालियां धुलवाई जाती हैं। कक्षा 5 की छात्रा निधि ने बताया, सभी बच्चे अपना थाली धोते हैं। हैरानी तो तब होती है कि जब इन बच्चों से थाली धोते देख सब मौन साधे रहते हैं और विद्यालय के जिम्मेदार बच्चों से थालियां धुलवाते हैं। ये सब कुछ तीसरी आंख में जब कैद हुआ तो हमारे संवाददाता ने विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका से सवाल किया तो उन्होंने पहले तो बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और जैसे ही बच्चों से थालियां धुलवाए जाने के बारे में पूछा गया तो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका गंगोत्री चौरसिया ने मौन साध लिया और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कैमरा पर वो हाथ मारने लगी, जिससे उनके इस गुनाह पर पर्दा पड़ जाए। जो बच्चों को मेनू दिया जाता है, वो थाली धोने की किसकी जिम्मेदारी होती है? आपके वहां देखा गया है कि तमाम बच्चे जो है खुद थाली धो रहे थे? शिक्षा विभाग छात्रों के साथ ऐसा गरूर मजाक कर रहा है जिससे आने वाला देश का भविष्य व्यर्थ में जा सकता है। ये तस्वीरें महज एक विद्यालय की है, लेकिन छात्रों के साथ ऐसा हर सरकारी स्कूल पर हो रहा है। तो वही ग्राम प्रधान कौशल चौधरी से जब इस संदर्भ में सवाल किया गया तो पहले उन्होंने भी मौन साध ली, फिर उन्होंने कहा विद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार होगा, हमको जानकारी नहीं थी, बहरहाल उसको दिखाएंगे, चेक करेंगे। विद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार होगा, बहरहाल हमको जानकारी नहीं थी, उसको दिखवाएंगे, चेक करेंगे। सवाल उठता है कि अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से जिम्मेदार कब तक भागते रहेंगे? सवाल तो ये भी है कि आखिर छात्रों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा और शिक्षा विभाग हरकत में कब आएगा? ऐसा ना होने से देश का भविष्य गर्त में जा सकता है, जो चिंता का विषय है। फिलहाल देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
जहां बच्चों को शिक्षा देकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए, उनका भविष्य सुधारना चाहिए, तो वहीं लगभग हमेशा ही ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आती हैं जहां कभी बच्चों से परिसर में झाड़ू लगवाई जाती है, तो वहीं अब तस्वीर सामने आई है थाली धुलवाने की। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए जिम्मेदारों को और इसके ऊपर सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।